खरगोन जिले के आदिवासी किसान बहुल तहसील क्षेत्र सेगांव मुख्यालय पर करीब 5 वर्षों से निर्माणाधीन मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र अभी भी शुरुआत की बाट जोह रहा है। किसान अपनी मिट्टी के प्रशिक्षण के लिए जहां इधर उधर भटक कर परेशान हो रहे हैं, वहीं प्रशासनिक उदासीनता के चलते कार्य लंबित हो रहा है। किसान सुरेश यादव अशोक वासकेल ने बताया कि आजकल की खेती विज्ञान पद्धति के अनुसार होती है और अलग अलग फसल के लिए विभिन्न तरीके बेहतर उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं। इससे सबसे पहले मिट्टी प्रशिक्षण को ही प्राथमिकता दी जाती है। किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में तहसील मुख्यालय पर मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की, लेकिन 5 वर्ष से कार्य अधर में ही लटका हुआ है। पिछले 1 वर्ष से प्रशिक्षण केंद्र बनकर तैयार है और विगत दिनों पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव द्वारा लोकार्पण किया गया था। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी राजाराम चौहान ने बताया कि साल 2014-15 में निर्माणाधीन मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र का कार्य अभी 6 माह पूर्व ही पूर्ण हुआ है, परंतु मशीनों और यंत्रों के अभाव में शुरू नहीं हो सका है। लॉकडाउन के चलते अभी कुछ दिन पूर्व ही कुछ यंत्र और मशीनें मिट्टी प्रशिक्षण कर्मचारियों स्तर भोपाल से होते हैं और कुछ यंत्र मशीनें आना बाकी है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मिट्टी परीक्षण केंद्र को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी परीक्षण केंद्र लगभग साल भर से बनके तैयार हो गया है और मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन भी किया गया है, कृषि मंत्री जी के। उसके बाद ही वहाँ तो ना कोई कर्मचारी है, ना मिट्टी परीक्षण हो रहा है, ना कुछ है, भवन ऐसा ही पड़ा है। क्या कोई परीक्षण करने वाले हैं वहाँ पर, वैज्ञानिक वगैरह? कोई नहीं, कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ बंद पड़ा हुआ है। क्या नाम लिखते हैं? सुरेश यादव, सेगांव। सर, यहाँ मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र मुख्यालय पर विगत कई वर्षों से बनकर तैयार है, क्या कारण है कि अब तक चालू नहीं हो पाया? ये हमने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड सेगांव के अंतर्गत नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का आरंभ भी हो चुका पिछले 4 महीने से, और अभी कोरोना संकट के कारण अभी कृषकों की जो सैंपलिंग नहीं हो पा रही है। जैसे कोरोना संकट हटे उसके बाद हम मिट्टी की एनालिसिस करना आरंभ करो। सर, इसके क्या मापदंड रहेंगे और कैसे चलेगा? मापदंड ये रहेगा कि हमारे यहाँ पे अभी 5 मॉडल विलेज का चयन किया गया है। इसमें हमारे रसगांव, पनाली, डालकी, सीतापुरी और ग्यासपुरा, इसमें हमें इन गांव में 100% किसानों की सैंपलिंग करके इनके एनालिसिस करके इनको हेल्थ कार्ड प्रदाय करना है, और बाकी जो किसान है जो इच्छुक है जो कि एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो अपना सैंपल लेके हमारे लेबोरेटरी में आए और हम की एनालिसिस करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि मशीनों का अभाव है, कर्मचारियों का अभाव है, इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया। हाँ, अभी मशीनें पूर्ण रूप से तो नहीं आ पाई है, लेकिन हमारे पास मिनी लैब उपस्थित है, अभी उपलब्ध है, जिसमें हम मिनी लैब के माध्यम से हम मिट्टी की एनालिसिस करके हम उनके हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।